नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश और स्वागत है आपका आज किसी को शाम वाले वीडियो में। मैं ज़्यादातर शाम को आजकल बनाने लग गया ना, तो आप लोगों ने नोटिस किया हो तो शाम को ज़्यादा वीडियोस बनने लग गए हैं। तो आपके लिए मैं आज लेके आया हूं ये टाटा का LPT। अब ये टाटा का LPT बहुत सारे आ चुके हैं, बट ये कौन सा LPT रहने वाला है? ये रहने वाला है भाई 10-12। देखो यहाँ पर रखा 10-12। अब 10,500 किलोग्राम का GVW और 125 PS की पावर ये आप लोगों को निकाल के दे देगा। किस चीज़ से निकाल के देगा? इंजन से निकाल के देगा। और कौन सा इंजन आप लोगों को मिल रहा है भाई? वो 4SPCR वाला इंजन। हाँ, 4SPCR वाला इंजन जो कि 125 PS की पावर निकाल देता है और 360 न्यूटन का टॉर्क निकाल के दे देता है। 310 mm की इसमें क्लच मिल जाती है। उसी के साथ में आप लोगों को 5-speed का मैनुअल गेयरबॉक्स इसमें मिल जाता है। GB550 वाला गेयरबॉक्स मिल रहा है 5 forward 1 reverse के साथ। सपोर्ट अच्छा खासा कर देगा। तो आपको पास से एक्सप्लोर करवाते हैं। जैसे LPT सीरीज में ये कैबिन रहने वाला है और पीछे आप लोग देख सकते हो कौन सी अपने पास आरज की आज कैबिन लोड बॉडी। अब लोड बॉडी की साइज रहने वाली भाई 20 फुट लंबी लोड बॉडी लेके आए हो आप लोगों के लिए स्पेशल। 6 टायर में ये ट्रक आ जाता है, 8.25 वाले टायर्स इसमें मिल जाते हैं। तो पास से एक्सप्लोरेशन का टाइम शुरू करते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के इस वीडियो की इस की से, टाटा LPT 10-12 का की। आप लोगों को कॉन्फिगरेशन ऐसा देखने को मिलेगा, धूप में अच्छी खासी ब्लिंक करती है। फिर भी डेफ वाली की मिल जाएंगी, फ्यूल वाली कीज मिल जाएंगी आप लोगों को इसके अंदर। तो फ्रंट से और क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? टाटा की ब्रांडिंग मिलेगी और टाटा का लोगो भी देखने को मिल जाएगा। वहीं डबल स्पीड ग्रिल मिल जाएगी। अब डबल स्पीड में क्यों बता रहा हूँ, देखो डबल स्पीड का भी रीज़न है। यहाँ पे ये प्लास्टिक वाला है, मेटल वाला है, मेटल वाला फिर से बम्पर मिल चुका है जिसमें आप लोगों को टो हुक की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। अब पुराने वाला आता था वहाँ पे इसमें आराम से आप लोगों को स्लॉट्स बना के दिए जाते थे, आप एक्सटर्नल लाइट्स लगा सकते हैं आराम से। बट आपके नए वाले जो ये वाला सीरीज का केबिन आया था उसमें आप लोगों को ये चीज़ें हटा दी गई थी। वैसे ये BS6 Phase 2 का ट्रक रहने वाला है। उसी के साथ में आप लोगों को फ्रंट में सिंगल लेंस क्लियर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे जिसमें बाई बीम सपोर्ट हो जाता है। इंडिकेटर्स का फंक्शन कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है ही। ब्रिक रेड कलर में ये गाड़ी आ रखी है और मे बी व्हाइट कलर में भी आती होगी। जब आएगी तब उसका भी बना देंगे। फ्यूल इकोनॉमी मतलब BS6 Phase 2 है, फ्यूल इकोनॉमी इसमें बढ़िया आप लोगों को मिलने वाली है। टाटा मोटर्स का फ्लीट एज भी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएगा जिससे आप लोग अपना सारा फ्लीट एक साथ मैनेज भी कर सकते हो। अब फ्रंट से मैंने बात कर ली, जैसे 2 grab handle मिल जाएंगे वहाँ पे चढ़ के आप कांच वगैरह साफ कर सकते हो। ऊपर आप लोगों को ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिल जाएगा जो कि फ्रंट की ब्लाइंड स्पॉट कवर कर देगा और उस साइड में आप लोगों को उस साइड का ब्लाइंड स्पॉट मिरर देखने को मिल जाने वाला है। वहीं ORVMs के कंट्रोल्स मिल जाएंगे कुछ ऐसे और उसी के साथ में आप लोगों को एयर वेंटिलेशन का सिस्टम भी मिलने वाला है ही। वाइपर्स का कॉन्फिगरेशन ऐसा रहने वाला है इस ट्रक के अंदर। और साइड से बात करें अपन तो आप लोगों को फेंडर माउंटेड इंडिकेटर्स का कॉन्फिगरेशन मिलने वाला है। फ्रंट टायर्स की बात करें तो 8.25 वाले R16 के हैवी ड्यूटी टायर्स, जो नीचे लिखा हुआ हैवी ड्यूटी टायर्स मतलब LT नहीं मिल रहे, ST मिल रहे हैं आप लोगों को, HD मिल रहे हैं आप लोगों को, हाई डेफिनेशन हैवी ड्यूटी टायर्स मिल रहे हैं। 16 PR रेटिंग ये रहने वाले हैं। उसके पीछे आ जाते हैं तो अपन आप लोगों को कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसे देखने वाले। वैसे ओवर ट्रक्स में यार ये चीज़ें उधर आती थी ना, इसमें ये चीज़ें इधर आ गई लेवल्स वगैरह देखने के लिए, काफ़ी अच्छा है। चलो फ्रंट का सस्पेंशन की बात करें तो आप लोगों को पैराबोलिक, फ्रंट के सस्पेंशन की बात करें तो आप लोगों को सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स वाला सस्पेंशन फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। वहीं आप लोगों को और क्या चीज़ देखने को मिलेगी, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर भी कॉन्फिगरेशन में आ जाएगा। डेफ वाला सिस्टम कुछ ऐसा आ रहा है। वहीं आप लोगों को 18-20 liter वाला डेफ टैंक देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो आप लोगों को 120 liter वाला फ्यूल टैंक इसमें देखने को मिल जाने वाला है। साइड मार्कर लाइट्स का कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसा है जो कि LED में रहने वाला है, ये देख लीजिए, उन्हीं में रिफ्लेक्टर इंटीग्रेटेड है ही। रोड टैंक का कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसा रहेगा, HSD में ये बॉडी आ जाएगी। और भाई इतना ही नहीं, HSD में ये बॉडी आके आप लोगों को जो HSD की हाइट रहने वाली है वो रहेगी 6.8 फुट की हाइट। अंदर की है भाई ये 6.8 फुट की, और लंबाई तो मैंने 20 फुट बताई थी और चौड़ाई भी 7.4 फुट की इसमें देखने को मिल जाने वाली है। रियर में आ जाते हैं तो रियर में कुछ कॉन्फिगरेशन फुली फ्लोटिंग एक्सल का ऐसा देखने को मिलने वाला है। एयरबैग्स में ये गाड़ी आ जाती है ही और उसी के साथ में साइड क्रैश गार्ड्स, एक्सल की बात मैंने बता ही दी और पीछे वाले टायर्स का ग्रिप पैटर्न चेंज देखने को मिलेगा। फ्रंट टायर्स का ग्रिप पैटर्न कुछ ऐसा है और थोड़ा एग्रेसिव आप लोगों को रियर टायर्स का कॉन्फिगरेशन देखने को मिलने वाला है। बट आप लोगों को जो रेटिंग्स है वो सेम मिलेंगी, 8.25 वाले टायर्स ही आप लोगों को पीछे देखने को मिलेंगे जो कि हैवी ड्यूटी रहने वाले हैं। 16 PR की रेटिंग ही सपोर्ट कर देंगे। रियर में ड्यूलीज आ जाती हैं मतलब डबल टायर का कॉन्फिगरेशन, पूरा 6+1 टायर का कॉन्फिगरेशन साथ ये गाड़ी आप लोगों को मिल जाती है। वहीं देखो मार्कर लाइट्स रियर में भी दी गई हैं, ये रही जो कि LED में रहने वाली हैं, ठीक है। और फ्रंट मार्कर लाइट्स तो कैबिन के ऊपर आती ही है ही।
ये भी रियर मार्कर लाइट्स अच्छी खासी दी गई हैं। नीचे डॉग बम्पर मिल जाएगा, चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, एलईडी ना मिलके हैलोजन फिनिश में आप लोगों को रियर टेल लाइट्स का कॉन्फिगरेशन देखने को मिल जाएगा। टाटा की ब्रांडिंग के साथ में कुछ नीचे वाला चेसिस आपको ऐसा मिलने वाला है, इसमें आप लोगों को सेंटर क्रॉस मेम्ब्रेन मिल जाएंगी जो जैसे देखने को मिल जाने वाले हैं ही, और स्पेयर व्हील आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। बाकी ये पेंट फिनिश और डाले की 20 फुट की लंबाई देखने को मिल जाने वाली है, हाइट अच्छी खासी है, पेंट क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहने वाली है इसकी। साइड से आ जाएं, चलो तो अपर रोप टाइम पॉइंट्स के साथ में आपको लोअर रोप टाइम पॉइंट्स भी देखने को मिल जाने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रियर सस्पेंशन में बता दूँ भाई, पैराबोलिक वाला डबल एक्टिंग सस्पेंशन है रियर में लिप सिंक के साथ में, और क्या चाहिए, इतना काफ़ी नहीं आप लोगों के लिए और चाहिए। तो ये प्रोपेलर शाफ्ट कुछ ऐसी रहने वाली है, इस साइड में आपको प्रेशर टैंक का कॉन्फिगरेशन देखने को मिल जाएगा, उसके आगे आप लोगों को 12 वोल्ट का बैटरी सिस्टम देखने को मिल जाने वाला है ही। और वो देखो नीचे थोड़ा सा और पास चला देता हूँ, ये देखो ये वाली, ये रहा वो भाई गेयरबॉक्स, और उसके नीचे से गया हुआ है अपना एग्जॉस्ट वाला सिस्टम, और वो रहा अपना डेफ वाला सिस्टम, रीजन वाला सिस्टम बता सकते हैं इस चीज़ को। प्रेशर टैंक है, बीच में से मेरे को लग रहा है जॉइंट है क्योंकि डबल दिख रहे हैं आप लोगों को, बस वही। और बैटरी के वास्ते मार्शल कटआउट मिल ही जाएगा, उसके आगे एयर फिल्टर की प्लेसमेंट मिल जाएगी जो कि फ्लिटकार्ट वाला रहने वाला है, रेस्ट्रिक्शन गेज वगैरह भी इसके अंदर आप लोगों को इजीली दिखने को मिल जाएंगे। स्नॉर्कल की प्लेसमेंट पैसेंजर साइड रहने वाली है, और ये कैबिन आप लोगों को मैनुअल टिल्टिंग वाला मिल जाता है, हाइड्रोलिक का ऑप्शन नहीं है। यहाँ से आप अपना ऑयल चेक कर सकते हैं, ये ब्लू कैब में ब्रीदर रहा जो काफ़ी अच्छा है, और कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसा रहने वाला है भाई। देखो इधर से दिखा दूँ थोड़ा सा कॉन्फिगरेशन, पैसेंजर प्रोस्पेक्टिव व्यू भी दे देते हैं एक अगर आप इसमें पैसेंजर रहने वाले हैं, क्योंकि ये 2+1 ड्राइवर की कॉन्फिगरेशन में आप लोगों को मिल जाता है, इसमें ब्लोअर वगैरह का फंक्शन है ही। पैसेंजर का डोर कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसमें बोतल होल्डर मैगजीन होल्डर अपने विंडोज़ के लिए, और अनलॉकर लॉकर सिस्टम देखने को मिल जाएगा, वेदर सील भी देखने को मिल जाएगी, तो इसको बंद कर दिया। इंडिकेटर्स का कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसा है, स्टेपर्स का कॉन्फिगरेशन भी मिलने वाला है ही, डबल में आप लोगों को नीचे वाला बम्पर मिल जाएगा जो कि मेटल फिनिश में आता है। तो भाई वॉक थ्रू वाले केबिन को खोल के अपन आ जाते हैं अंदर, ग्रैब हैंडल टाटा दोनों साइड देता है, मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है टाटा की, और केबिन की राइड भी कंफर्टेबल रहने वाली है। डबल स्टेपर्स थे और मैंने एक ही स्टेपर पे पैर रखा और मैं अंदर आ गया। अब ड्राइवर की सीट भाई एडजस्टेबल है, बैलून को इग्नोर कर देना, ड्राइवर की सीट एडजस्टेबल है। मेरे को यार ये केबिन में थोड़ा और अच्छा फील लग रहा है, केबल शिफ्ट में ट्रांसमिशन आ जाता है, हैंड ब्रेक अपना ऑन है ठीक है, तो अपन इसको न्यूट्रल कर सकते हैं ठीक है, कहीं नहीं गया ठीक, ये देखो न्यूट्रल कर सकते हैं। गियर की फील भी काफ़ी अच्छी है भाई, और गियर लगाने का भाई मेरे को ये 18-16 वगैरह 15-12 जो भी आए थे जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनसे मेरे को इसकी गियर की फील अच्छी लगी है, ये मैंने रिवर्स लगा दिया। क्लच में थोड़ा प्रेशर सिस्टम है, गियर में अपना केबल शिफ्ट मिल ही जाएगा, इजी शिफ्टिंग के साथ गियर मिल जाएगा, हैंड ब्रेक मिल जाएगा, स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा नया वाला जो कि आपके लिए रहने वाला है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, ये यहाँ पर लगा दो आराम से बाहर निकलने के लिए जगह पड़ जाएगी, यहाँ पर लगा के इसको आराम से आप ड्राइव कर सकते हो, यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं ही। और कितना जाएगा, बस इतना जाएगा। तो ये कॉन्फिगरेशन रहने वाला है सेमी बकेट फिनिश में, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में आप लोगों को सीट्स मिल जाएंगी, जो हेडरेस्ट हैं वो आप लोगों को फिक्स्ड मिलने वाले हैं, हेल्प का बटन मिल जाएगा, फ्लीट एज वगैरह मिल ही रहा है, वाइपर से कंट्रोल इस साइड देखने को मिल जाएंगे, इस साइड आप लोगों को हेडलाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, इसी साइड में आप लोगों को क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को सनवाइजर मिल जाएगा जिसमें टोल की टिकट थी मैंने वापस रख दी, ब्लोअर मिल जाएगा जो कि आप लोगों को अंदर आके बता देता हूँ। वॉक थ्रू अब रेफरेंस देना है तो आराम से देंगे ना। तो ये लो भाई, मैं ड्राइवर से पैसेंजर बन गया, पैसेंजर का कंफर्ट भी अच्छा है, सीट बेल्ट का कॉन्फिगरेशन तो आप लोगों को हर सीट पे रहने वाला ही है, उसी के साथ में आप लोगों को लॉकेबल कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा, स्पीकर्स की प्लेसमेंट है बट म्यूजिक सिस्टम की प्लेसमेंट नहीं रहने वाली। और अब आप लोगों को भी मैं ले लेता हूँ इधर से ही डायरेक्ट अंदर, और अब आप लोग अंदर आ गए तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखो ये चीज़ें मिलेंगी, मतलब वेंट्स मिलेंगे, ब्लोअर मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से खुलेगा ये सिगनल लाइट पोर्ट मिल जाएगा, उसके साथ में ये ब्लोअर्स हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर 2.4 एम्पियर का ये यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा,
जक यहाँ मिल जाएगा, जो कि वो ऐसे घूमने वाला है, ठीक है, इसको घुमा के ऊपर लगा के रखो बस। और ये गियर सिस्टम मिलने वाला है ही, देख लिया, सीट बेल्ट का कॉन्फिगरेशन मिलने वाला है और रूम लैंप का कॉन्फिगरेशन भी मिल जाएगा एलईडी के अंदर। लोड पे ध्यान रखने के लिए स्लाइडिंग पीक विंडो मिल जाएगा पीछे, और पीछे आप लोगों को वहाँ ड्राइवर की सीट के नीचे फायर एक्सटिंग्विशर मिलने वाला है, ये ड्राइवर की सीट एडजस्टेबल है ही। और ये कुछ स्टेयरिंग का फील रहने वाला है, तो चलते हैं ड्राइवर भी बोल जाते हैं। तो ये स्टेयरिंग व्हील का कॉन्फिगरेशन कैसा रहने वाला है, नया वाला मीटर मिलेगा उसके साथ में, यहाँ पे रीजन लगाने के लिए इस ये ढक्कन के नीचे मिल जाएगा ताकि एक्सीडेंटली आपका रीजन ना लगे, और स्टॉप करने के लिए भी ये रहे इन एमरजेंसी ओनली, वरना आप लोगों का ड्रिफ्ट सिस्टम है ना भाई, थोड़ा माल फंक्शन कर सकता है। यहाँ पर लाइट, यहाँ पे हैवी, क्योंकि हैवी में बाय डिफॉल्ट रहती ही है। यहाँ पे हैजार्ड लैंप, यहाँ पे एग्जॉस्ट ब्रेक, यहाँ पे हैजार्ड लैंप, यहाँ पे एग्जॉस्ट ब्रेक का कॉन्फ़िगरेशन, हेडलाइट्स के कंट्रोल्स, इंडिकेटर्स के साथ में, और वाइपर्स के कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल के साथ में, ड्राइव हैंडल है ही, स्पीड लिमिटर है ही। और अपन इसको ऑन कर लेते हैं मीटर को, ये सारा मीटर का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। AFE आप लोगों को 10.2 किलोमीटर पर लीटर की दिखा रही है मीटर, मीटर झूठ नहीं बोलता। ट्रिप मीटर मिल जाएगी, प्रेशर गेज मिल जाएगा, डेफ का लेवल आप लोगों को डिजिटली मिल जाएगा, वहीं फ्यूल आप लोगों को एनालॉग देखने को मिलने वाला है ही। ये देख लो, इस साइड आप लोगों की स्पीड मिल जाएगी, और वहाँ पर आप लोगों को RPM मीटर मिलने वाला है ही। वोल्टेज वगैरह सब कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाने वाला है। लाइट में लगाते ही ये लाइट आ जाएगा, हैवी में लगाते ही ये हैवी हो जाएगा, तो ये सारा कंट्रोल रहेगा। अब करते हैं इसको रैप अप और वीडियो को करते हैं एंड। मैंने टो हुक तो थोड़ा बाहर निकाल दिया, पर थोड़ी बैठने के लिए भी जगह भी दे देनी चाहिए थी, मैं बैठ जाता आराम से वीडियो बनाने के लिए, यहाँ बैठ सकता हूँ, नहीं बैठा जाएगा भाई, चलो खड़ा रहेंगे भाई। आप लोगों को रैप अप करके वीडियो को आप लोगों को विदाई देता हूँ इस वीडियो से, तो मैं थोड़ा छाँव में जरूर आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, धूप में सही रहेगा। तो भाई ये खड़ा अपने पास 10-12, उधर उधर आप लोगों को जो कैबिन बॉडी चेसिस दिख रहा है वो है 15-12, और मैं इसका वीडियो बना रहा है ना, तो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा और आप लोगों के लिए रैपअप बना रहा है। 10-12 10,500 किलो का GVW ये पास होता है RTO से। ये मेरे पास खड़ी है आज कैबिन लोड बॉडी CLB और HSD, मतलब हाई साइड डेक अपन देखने को मिल जाएगा। अब HSD है तो 6.8 फुट की ऊंचाई देखने को मिल जाती है, वहीं 7.4 फुट की चौड़ाई देखने को मिल जाती है, और उसी के साथ में आप लोगों को 20 फुट की टोटल लोड बॉडी की लंबाई देखने को मिल जाती है। 4530 mm की इसमें व्हील बेस देखने को मिल जाती है, और क्या चाहिए आप लोगों को, अब आप लोगों को चाहिए इसमें पावर वगैरह क्या देखने को मिल जाती है। 125 PS की पावर निकाल देता है, 360 Nm का टॉर्क निकाल देता है, 310 mm की इसमें क्लच देखने को मिल जाती है, 5-speed का मैनुअल गेयरबॉक्स है, GP550 वाला, LPT सीरीज में ये आता है क्योंकि कैबिन इसका LPT सीरीज का रहने वाला है। डे कैबिन में ये आ रखा है, आई गेस ये स्लीपर कैबिन में तो नहीं आता, इतना मेरे को लग रहा है इस बॉडी को स्ट्रक्चर देख के। और क्या चाहिए, 1.25 वाले टायर्स मिल जाएंगे, सेमी एलिप्टिकल लीफ स्ट्रिंग फ्रंट में और पैराबोलिक लीफ स्ट्रिंग रियर में देखने को मिल जाएंगी। और क्या चीज़ें चाहिए आप लोगों को बताओ, 6 टायर का कॉन्फिगरेशन में आ जाता है, एयरबैग का कॉन्फिगरेशन ये आप लोगों को प्रोवाइड करवा देता है। तो इतनी सारी पावर आप लोगों को कहाँ कहाँ में आने वाले, हैवी लाइट्स मोड मिल जाएंगे और 22.9% की ग्रेडेबिलिटी इसमें देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ में टाटा की तरफ से आप लोगों को 3 साल 3 लाख किलोमीटर्स की वारंटी भी प्रोवाइड हो जाती है। तो बस लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कौन सा आप लोगों को वीडियो चाहिए। मिलते हैं ऐसे किसी एक और वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।